वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहर वाचाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव वृंदावन तुलसीदेव पियावी केशवसज कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोत्पन्न धैयम् सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरुञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवाद्विबुधम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजीत किमपि कपोधुष्वदर्श पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकेतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरांसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशयुष्यवदने लक्ष्मीर्जस्वच वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
असार संसार खलु दुख रूप विमोह सुतः कस्य चंसं कस्य सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलति अनीशं न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनः असार संसार खलु दुःखरूपि विमुखः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलति अनीशं न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनः गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जिस मुहूर्त हमारा सामने हमारा कोई रक्षक हमको बचाने वाला नहीं रहे, उस टाइम सारे चारों ओर से जो परिवेश है विरुद्ध आकार धारण करके हमको मारने चल पड़ेंगे, मारने के लिए व्यस्त हो जाएंगे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जागृत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, जिस समय हमारा सामने कोई रक्षा करता हमको बचाने वाले कोई नहीं हो, उस समय सराउंडिंग परिवेश चारों ओर का परिवेश पूरा एकदम विरुद्ध परिवेश धारण करके हमको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा बचाने वाला तो है, हमारा घर वाले हैं, हमारा बैंक का अमानती पैसा है, सारे बचाने वाले हैं हमारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए, जो लोग सौभाग्य हैं, जो लोग सौभाग्यवान हैं, ये लोग हरि कथा समझ ने का कोशिश करता है। हरि कथा सुनने का बाद भी हरि कथा का जो आदेश है, हरि कथा का जो आदेश निर्देश है, उसी मुताबिक चलने का हिम्मत नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताए, सब बोका आदमी हैं चारों ओर, ये समझ नहीं पाते कि बैंक का अमानती पैसा, हमारे घर वाले कोई भी हो, मैन पावर मनी पावर, कोई भी मेरे को रक्षा नहीं कर सके। एनी अमाउंट ऑफ मैन पावर आई हैव, एनी अमाउंट ऑफ मनी पावर, एजुकेशनल पावर, जो कुछ भी है, तमाम बाजी लगाने से भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, मुसीबत से बचना संभव नहीं। एकदम एकमात्र एक रास्ता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वास्तव तेजियान साधु है, भाषण सुनने का कोई इच्छा नहीं है, भाषण तो बाजार में चलते ही रहते हैं, भाषण सुनने का इच्छा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक ग्रामोफोन का जो रिकॉर्डिंग है ना, जो सिंगर लोग गाते हैं, इसी मापी को हरि कथा चलता है। प्रभुपाद कहते हैं आप लोग सावधान हो जाओ, जिंदगी का ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, जाना पड़ेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, आप लोग सावधान हो जाओ, आप लोग बुद्धिमान हो जाओ, कितना दिन बोकार रहोगे, जीवंत तो साधु का संग करो, फायरिंग साधु का संग करो, जीवंत तो साधु, तेजस्व साधु संग का प्रभाव के द्वारा, प्रभुपाद कह रहे हैं तेजस्वी साधु का संग के प्रभाव के द्वारा हम लोगों का जितना सारे अशुभ, जितना सारे मुसीबतें हैं सारे हट जाएंगे, हृदय में बल पैदा हो जाएगा। जिस मुहूर्त हमारा सन्मुख कोई रखा करता नहीं है, वो का आदमी समझा नहीं है बात, रखा करते का रखा करता ये शब्दों का माने, इस ये सेंटेंस का माने ही है, या हमारा गुरुवस्त हम नहीं रहे, बैंक का माने थी पैसा मेरा रखा करता नहीं है, जब तक मेरा सामने गुरु वैष्णव नहीं रहे संभालने के लिए हर वक्त,
तब तो मुसीबत ही मुसीबत है। प्रभुपाद कहते जिस मुहूर्त हमारे सामने हमारा रक्षा करता गुरु वैष्णव नहीं रहे, उस मुहूर्त ये सराउंडिंग परिवेश जो है विरुद्ध आकार धारण करके हमको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। सराउंडिंग परिवेश जैसे एनिमी होता है, शत्रु बन के हमारा ऊपर टूट पड़ेंगे हमको मारने के लिए। हमारा रक्षाकर्ता गुरु वैष्णव है, ये पक्का बात। प्रभुपाद कह रहे जो लोग भाग्यवान हैं, वाकई जो लोग भाग्यवान हैं, हरि कथा सुनने के बाद उनको समझ में आता है थोड़ा, संस्कार अगर अच्छा है, ऐसे ये लोग हरि कथा का मुताबिक चलने का प्रयास भी करते हैं। आगे चलते हुए चैत्य गुरु का कृपा होगा, बाद में चर्चा करेंगे इस विषय। चैत्य गुरु का कृपा जब तक ना हो जाए, चैत्य गुरु का कृपा कब होता है, जब जीवात्मा ये जड़ संसार में भोग विलास करते करते तरह तरह का मुसीबतें झेलते झेलते जब इसका अंदर में एक ऐसा भाव पैदा हो जाता कि इसका समाप्त कहाँ है, कहाँ तक इसका एंड है, इसी समय चैत्य गुरु समझ लेते हैं कि अभी इसका विषय का उतना आकर्षण नहीं है, तो उसमें चैत्य गुरु का कृपा हो जाए तो उसी समय मेरे को बत्म प्रदर्शक गुरु, महांतो गुरु, शिक्षा गुरु सारे धीरे धीरे मिलते रहे। इसका विषय में अगले हफ्ता चर्चा हो पाएगा। जो लोग हरिकथा सुनने के बाद बिल्कुल तैयारी नहीं है ग्रहण करने के लिए, तो वो लोगों के लिए तो मंगल कहाँ है। जब कानों पे दो चार शब्द चले गए, जब कानों पे दो चार शब्द आए अच्छा, तब हमारा मन में एक इच्छा पैदा होगी, यानी हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रति मुहूर्त, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एवरी मोमेंट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माया देवी हम लोगों को भगवत विमुख करने का चक्कर में है। क्योंकि स्वाभाविक है, भागवत में भी भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं जो लोग त्यागी वेश लेके आगे बढ़ने का कोशिश करता है वो लोगों के लिए माया देवी हजारों हजारों समस्याएं खड़ा कर देती हैं, क्योंकि वो आगे ना बढ़ पाए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के कह रहे हैं जो त्यागी वेश लेके ब्रह्मचारी सन्यासी वेश लेके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों के लिए हजारों मुसीबतें आन पड़ेगा। क्योंकि देवता, भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग का देवता लोग भी इसका पीछे लग जाए कि हम लोग अब तो इतना दिन तक हम लोगों का कंट्रोलिंग में रहा, अब जो हमारा कंट्रोलिंग छूट जाएगा, यह अलग से आगे भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे हजारों समस्याएं खड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर गुरु कृपा है, गुरु निष्ठा है, सांप्रदायिक निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, गुरु सदगुरु का कृपा के द्वारा ये सब जो बंधन हैं, समस्याएं हैं, सारे कट जाए। और तब ये सब देवता लोग जो है ये तो पहले उसका पीछे लग जाते हैं, इसको कैसे उसको रोका जाए। अब जब देखे सदगुरु का कृपा मिल गया, भगवान का भी नज़र इसको पर जा रहा है, तो तुरंत उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ नहीं देते, ये तो है ही है, उसका पीछे वो लोग चलते हैं कि कैसे इसको सहयोग किया जाए, कैसे ये लोग पीछे आ जाता है, कैसे इसको सहयोग किया जाए। यार ये भगवत भजन कर रहा है, ये झूठा नहीं है, माया का बस में बिल्कुल नहीं जाने वाला है, बहुत सारे परीक्षा पास कर दिया, तो ये इसका
इसका पीछे देवता लोग आके इसको सहायता करना चाहते हैं, इसका पीछे सहयोग कर देगी कि भगवत भजन में सहायता हो जाए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। और ऐसा अनुभव जरूरी है, जो अनुभव, जो अनुभव की बातें, जो श्लोक जो शुरू किया था, असार संसार खलु दुख स्वरूपी बीमा कहा, आई बात समझ में। जब तक ये अनुभव में नहीं उतरता है, असार संसार भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में लिखा है, कौन करता है, किसी का पास टाइम नहीं है, किसी का पास समय नहीं है, कीर्तन कैसे करे। भक्तिविनोद ठाकुर की दे भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन किया है ना, किशेर संसार ई छायाबाजी प्राय यहाते ममता करी बिथा दिन जाए, भक्तिविनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखा, किशेर संसार ई छायाबाजी प्राय, वन काइंड ऑफ यू नो, एक किस्म का मैजिक है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, किसेर संसार यही छायाबाजी प्राय यहाँ ते ममता कुरी बिथा जिन जाए। हमारा जो आकर्षण है इसी का ओर जा रहे, माया का ओर, बिना बुलाए, और गुरु कृष्णा बुला रहे इधर आ जाओ, वो आधा आना ही, अब बिना बुलाए माला का, बिना बुलाए माया का गुलाम बनने के लिए तैयार है, बिना बुलाए, बोला नहीं कुछ, भगवान कह रहे, गुरु वैष्णव कह रहे इधर आ जाए, इधर जो आएगा नहीं, ना ना ना, क्या करे, उधर जाके क्या करे, वही तो बात है। असार संसार खुलू दुख स्वरूपी बीमा कहा, सुतः कश्य धनन कश्यो स्नेहवान जलते अनिशम। वाराणसी में एक सुकृतिशाली जीव है, वो संसार उसका छूट गया, सपोज करो, वो एकदम पागल के मुताबिक भागा घर से, और कुछ नहीं रखा इसमें। वाराणसी में पहुंचा, गंगा में नहा और विश्वनाथ का दर्शन किए, और खबर मिला कि है एक हरि कथा हो रहा है, चलो बैठ जाए, थोड़ा खाना पीना तो मिलेगा ही, भंडारा है। और महाराज वहां पहुंचते ही पहला शब्द ये सुना, पहला शब्द कानों में गया, असार संसार खुलू दुख स्वरूपी बीमा कहा। ये तो संसार से भक्के आए हैं, भक्के आए हैं, लेकिन दोबारा चले जाए कि ना जाए वो निश्चय नहीं था। अभी वो निश्चय कर लिया, संसार कुछ नहीं है, एक शब्द सुन के। ऐसा बहुत केस है, हमारा गुरु वर्गों में भी ऐसा है, एक शब्द सुना, सुनने के बाद क्या हुआ, एक धक्का लग गया एकदम, एक जबरदस्त धक्का लगा। गुरु वर्गों में जो नित्य पार्षद हो तो है ही है, और फिर भी लीला किया, और जितने जो नित्य पार्षद नहीं है ऐसे आए हैं उद्धार, ये भी है, ऐसा नहीं कि सारे नित्य पार्षद ही होगा, ऐसा नहीं, सारे आगे सारे नित्य पार्षद है तो उद्धार किसको करे, पोपा उद्धार करेगा नहीं, हैं, उद्धार करना है ना। तो असार संसार खलु दुख रूपी बीमा कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते अनिशम। इसका उपास स्नेह करके, इस संसार काहे का संसार है, असार संसार, ये दुख है, दुख ही दुख है, इसका अंदर में सार वस्तु नहीं। जब भी सब आनंद है थोड़ा बहुत, लेकिन ये थोड़ा बहुत आनंद का पीछे और ज्यादा गहरा दुख है। बाहरी दृष्टि में लगता है थोड़ा बहुत आनंद है ही है, लेकिन इसका पीछे देखो, पीछे मुड़ के देखो और दुख है। तो असार संसार खोलो दुख स्वरूपी बीमा कहा। अशुतो किसका लड़का कौन है, पिता किसका है, लड़की बेटी किसका है, क्या है, सुतो का सो धनम का सो, धन संपत्ति जिसका पीछे मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, ये जो धन संपत्ति है इसके पीछे चौकीदारी कर रहा हूँ, ये अनुभव की बातें हैं।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भाषण देने वाला है उसका हरिकथा सुनो कुछ नहीं होगा, जो अनुभव किया है जिंदगी में पेनीलेस भजन का आनंद लिया है वृंदावन में, याद है मेरा पूरा कैसा सिचुएशन बना था ठाकुर जी का कृपा से, पूरा भरोसा ठाकुर जी के ऊपर, दाना पानी हो कुछ भी हो ठाकुर जी का भरोसा, एक पैसा को पर भरोसा नहीं, इस भजन का महसूस हृदय में है, महसूस किया। ये अगर डायरेक्ट अनुभव नहीं होता तो ये बात बोलने का अधिकार भी मेरा नहीं है, कहाँ अधिकार है, अगर डायरेक्टली मैंने अनुभव नहीं किया तो बोलने का क्या हक है मेरा। देखा है, ऐसा भी देखा है भजन जिंदगी ठाकुर जी का कृपा से। और इंद्र का लगता है कि इंद्र बहुत सुखी है स्वर्ग में, बिल्कुल नहीं है, इंद्र बिल्कुल सुखी नहीं है, लगता है कि इंद्र सुखी है। इंद्र का भी टेंशन है, माथा पीछी है, टेंशन है, और असुर लोग अगर आक्रमण करे तो अपना पत्नी को भी लेने का टाइम नहीं है, भागता है। इंद्र का टेंशन है, बहुत सा टेंशन है, तो टेंशन नहीं है ऐसा नहीं तो कैसे चले। सो लिखा है नौ च इंद्रस्य सुखम, इंद्र का भी कोई सुख नहीं है, नौ च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती बना इस जगत में, राज चक्रवर्ती बना है उसका है? किसका शांति है, गौ नहुस बहुत बड़े बड़े है उसका भी शांति है क्या, सबका राज चक्रवर्ती बना उसका भी शांति नहीं। न च इंद्र सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त स मुनेर एकांत जीवन। जब विषय से विरक्त हो गया, विषय से विरक्त हो गया मतलब युक्त वैराग्य का मसला समझा है, विषय विरक्त मतलब ड्राइव वैराग्य नहीं है हमारा, गौड़ियों विचार में वैराग्य विद्या निजभक्ति योगो शिक्षार्थ में एक अम पुरुषो पुराण, हमारा जो वैराग्य है चैतन्य महापुरुष जी ने शिक्षा दिया, रूप सनातन आदि जो शिक्षा दिए, ये इसमें क्या मिठास है, इसमें रस है, वैराग्य विद्या है, अविद्या नहीं है। जिस वैराग्य ड्राई है, दिखावा है, उसमें कोई भगवान का कोई सेवा का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिर्फ दिखावा है, ये वैराग्यों का कोई कीमत नहीं है। सब वैराग्य विद्या, हमारा विद्या है, वैराग्य में रस है, वैराग्य रस, वैराग्य रस रसिको हैं भव भक्ति। ये जो गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को बताया, भव भक्ति निष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, ये जो वैराग्य राग रसिको, ये वैराग्य में रस है क्योंकि भगवान का सेवा का मसला है। हमारा जो वैराग्य भगवान का सेवा के लिए छूट जाए ठीक है, हमारा नींद पूरा नहीं होता, कुछ भी हो जाए, कष्ट मिल रहा है सेवा के लिए, कुछ भी हो जाए पड़वा नहीं है, ये वैराग्य जो खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, ये तो वैराग्य है, भगवान का सेवा के लिए है, सेवा में रस मिलता है तभी न, जब ही न कर रहा है, सेवा में अगर रस नहीं मिल पाता तो कैसे करता। तो ये जो है गोकर्ण जी महाराज अपना आत्मदेव पिताजी को ये उपदेश दिए, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग रसिको हो जाओ, सेवस्व सदपुरुषान जो ही काम तृष्णान। ये प्रभुपाद जी भी एक ही बात बताया ना, जो तेजियान साधु है वैकुंठ वर्ष, जिसका आँख का माफिक तेज है, कितना भी कष्ट लगे लगे इसी कथा को सुनना पड़ेगा, इसी में ही आपका भलाई है। सेवस्व साधु पुरुषान जो ही काम तृष्णान, सेवस्व साधु पुरुषान जो वास्तव साधु है, साधु पुरुष है, इनके सेवा के बारे में बताए
क्योंकि इसका सेवा में संसार छूट जाता है। ईश्वर सेवा में साधु संग इसका सेवा में संसार छूट जाता है। जिस समय हमारा सन्मुख में कोई रखा करता, हमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, गुरु वैष्णव सत्संग का अभाव है, बस पैसा दिखावा भजन सब बने हुए हैं, चारों ओर घेरे हुए हैं, इस मुहूर्त उस समय चारों ओर से प्रकृति विरुद्ध होके मेरे को आक्रमण करने में उद्यत हो जाएगी चारों ओर से। प्रभात कह रहे हैं जहां सचमुच हरिकथा हो रहा है, प्रभात कह रहे हैं कि जहां सचमुच हरिकथा हो रहा है, जहां चेतन की बातें हो रही है, जहां सचमुच हरिकथा हो रही है, जहां चेतन की बातें हो रही, जहां रिकॉर्ड में प्लेयर में संगीत का मापिक ऐसा नहीं, इसमें मंगल तो दूर की बात है, अमंगल ही अमंगल है, इसमें नीचे गिरना पड़ेगा नरक में। इसका बारे में दो एक मिसाल भी है, बहुत सारे मिसाल है, एक आदम जिसका सामने सुनने से हृदय में कोई विक्रिया नहीं होता, हृदय में कोई परिवर्तन सत्व का उपलब्धि होना संभव नहीं, और उल्टा क्या होता है, ये हरिकथा का नाम पे विषय की बातें हो रही है, और ये सुनते सुनते कि ये और मुश्किल है, मुसीबत में डालेंगे और मुसीबत आ जाएंगे, क्योंकि पद्म पुराण के ये प्रवचन है जिसमें सफा बताया गया अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्पच्छिष्ट यथा पयो, ये खुल्ला खुल्ला बताया गया। व्याकरण का जागलाड़ी दिखाने के लिए बहुत प्रवचन हो रहा है, मेमोरी भी बहुत है, बताने का स्टाइल भी बढ़िया है, लोग तो तलिया लगाएंगे, ये तो होगा है? कितना सारे सुना है, दयालु कृपालु यहाँ तहाँ बहुत सारे, कहाँ करे, इन लोगों को बचाने का कोई रास्ता है नहीं, कोई सुनेगा नहीं, किसी का कानों में जाएगा नहीं, क्या करे, बहुत चेष्टा प्रयास प्रचेष्टा करने का बावजूद किसी का होश नहीं हो रहा है, ऐसा मापिक दुनिया है, सत्संग का अभाव हो जाए, चेतन का बातें अगर नहीं सुने गुरु वैष्णवों से, हृदय में कुछ विक्रिया का अनुभव नहीं हुई, तो ये कैसी हरिकथा है, कहाँ से सुना, ये तो बंधन में डालने वाला, वो कुछ नहीं होने वाला। अभी अर्जुन का स्थिति है, अर्जुन जैसे शिष्य का भूमिका में है, काल चर्चा हुआ था इस विषय पे, ये जो काल चर्चा हुआ था इस विषय में, अर्जुन का कैसा आंखें हैं, पहला बात तो ये है, आप बता रहे कि कृष्ण का दोस्त है, ठीक है दोस्त है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं तो निरुपाधिक मैं दृष्टा हूँ, ऐसा घटिया बुद्धि अर्जुन का अंदर नहीं है, लेकिन युद्ध क्षेत्रों में जो विचार बनाया ये तो एक भूमिका में खड़ा कर दिया। भक्तिमोत्र कह रहे हैं मानो कि ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप मेरा भक्त हो, तुम मेरा भक्त हो, तुम्हारा निरुपाधिक, तुम्हारा दृष्टि में कोई टाइटल नहीं कि मैं दृष्टा दर्शन, दृष्टा भूमिका में जब तक रहे ये बद्ध भूमिका है,
द्रष्टा भूमिका में रह के भगवत दर्शन संभव नहीं है। बहुत बार गोपाल जी ने बताए, बहुत बार द्रष्टा दृश्यो दर्शन इस बारे में बताए गोपाल। शिल भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का अपना जिंदगी में एक लीला बताए, ये तो नित्य पार्षद है प्रभुपाद जी का। एक दफे अपना दोस्तों के साथ मायापुर दर्शन करने आए और चैतन्य मठ में विग्रह दर्शन करने के लिए आए, सब देखे, सब कुछ हुआ और अचानक ठाकुर जी का कृपा से प्रभुपाद के भी दर्शन हो गया। ये होना ही था, ये ठाकुर जी का खेल है, दंडवत किया जो भी है। प्रभुपाद जी दो बातों में बताया किस लिए आए हैं। बोले मायापुर दर्शन के लिए, ये चैतन्य मठ का विग्रह दर्शन करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने प्रश्न किए, अच्छा तो दर्शन हुआ, दर्शन हो गया। वो घबरा गया, अरे मायापुर दर्शन करने के लिए आए, चैतन्य मठ का विग्रह दर्शन कर लिया है, क्योंकि ये महात्मा कह रहे हैं कि क्या दर्शन हो गया ना, ये क्या बात है, समझा नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, ये अपराकित धाम, ये अपराकित गुरु वैष्णव, ये अपराकित शिव विग्रह, ये मेरा दर्शन का विषय नहीं है। अच्छा तो फिर हम दर्शन करने के लिए, अब वही तो बात है, बात तो यही है, बात बनेगा। हमारा दर्शन का विषय नहीं है, हम गोविंद जी के दर्शन करने के चले जाएंगे, गाड़ी भाड़ा दे दे 10,000 रुपया महाराज पूरा, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सिन्हा जी, इतना पैसा का ताकत है, पैसा का ताकत से पूरा एकदम सिन्हा जी दर्शन करने आ जाए, हो गया दर्शन। अल्लाह हाँ हो गया, क्या देखा, काला पत्थर, यही तो देखा और क्या देखा, यही दर्शन है। तो ये सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अर्जुन का विषय में भी ये खुलासा होगा इस विषय में, अर्जुन कोई बद्धजीव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि क्या दर्शन हो गया, उसका बाद आश्चर्य हो गया कर दर्शन करने के लिए, दर्शन हुआ तो और क्या होना है, और क्या होना है, दर्शन हो गया। प्रभुपाद कह रहे देखो, ये जो अपराकित धाम है, अपराकित मंदिर है, अपराकित विग्रह है, अपराकित गुरु वैष्णव है, ये मेरा दर्शन का विषय नहीं है। हैं दर्शन के लिए लालायित हो जाए, कब दर्शन हो, जैसे कि मिसाल दे दे, नरोत्तम ठाकुर रो रहा है, रहते हो रहा है ना, आर कवि निताई चादेर करुणा होइबे विषय वासना अमर कवि दुच्च हवे, विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरो वो श्री वृंदावन। अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप, वृंदावन में रहते बहुत दिन, आपका गुरुजी वृंदावन में रहते हैं, आप भजन कुटीर में रहे हैं, खैरा में, खदीरबन में, और आप जीव गुस्से में अस शिक्षा शिष्य होके रहा बहुत दिन, कितना दर्शन किया, कितना सेवा किया, अब बोले वृंदावन दर्शन नहीं हुआ। अरे हाँ यही बात है, महाजन आदमी ये सब महाजन लोग जो सिखा रहे हैं, ये सीखने का कोशिश करें, कृपा करके ये सब ग्रहण करने का प्रयत्न करें, इसी में भलाई है। सुनते रहे नाटकबाजी ये नहीं है, न तो मुझे विषय छारिया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरो वो श्री वृंदावन। अरे महाराज वृंदावन में अब कितना दिन रहे, बोले नाम वृंदावन देखे नहीं, हम बोले वृंदावन दर्शन करके आ गए, फ्लाइट में गया जल्दी, टिकट किया मैं जल्दी हो गया। यहाँ विषय है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हमारा जब तक ये गुरु विष्णु भगवान धाम विग्रह मेरा दर्शन का विषय बन के रह जाए, इट इज वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, इट इज वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। जब तक मेरा दर्शन का विषय बन के रह जाए तब तक इट इज वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। बद्ध जीवों का किसी भी हालत से ये बंधन दशा टूटने वाला नहीं है, किसी भी हालत से
जितना भी औषधि कर दो, कुछ भी कर दो, एकमात्र पक्का साधु का पीछे जाए, प्रेम हो जाए साधु का, कुछ समझ में आए थोड़ा थोड़ा, चैत्य गुरु का कृपा और बन जाए और आगे बढ़ के मिलेगा बत्मपदर्शक गुरु, महांत गुरु और शिक्षा गुरु सारे धीरे धीरे। ये चैत्य गुरु कहते रहे, अगले हफ्ता चर्चा करेंगे इस विषय, लंबा चर्चा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, हम विग्रह का सामने आए, धाम में आए, हम सौभाग्य बढ़ाने के लिए आए, सौभाग्य को प्राप्ति करने के लिए आए। दर्शन करने का तो प्यासा है, लेकिन ये आंखें देके दर्शन नहीं होते, पहले गुरु दर्शन हो जाए। गुरु दर्शन होने का, पक्का गुरु दर्शन होने का बाद गुरु जी का कृपा के द्वारा धाम, नाम, परिकर, वैशिष्ट्य, सारे तमाम चीज निरहंकार, निराभिमान। इसीलिए बताए निरुपाधिक चक्षु द्वारा, और जिनका अंदर में ऐसा अभिमान नहीं, ऐसा ये जो भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं, जे भगवान का साथ जो प्रीति का संबंध है, निरुपाधिक चक्षु के द्वारा कृष्णदेव तुम अभी निरुपाधिक चक्षु के द्वारा हमारा दर्शन करते आए हो इतना देर से, और हमारा जोगमय जो स्वरूप जो है, ये संबंधिक भाव रिलेटिव विषय हर वक्त किसी को समझ में नहीं आता। मेरा संबंध में है ना, मेरा संबंध में है, तो ये जो अनंत विश्व है इसका कीमत कहाँ है? एक फूटी कुड़ी नहीं है अगर भगवान भगवान का कनेक्शन नहीं है। भगवान का कनेक्शन बना हुआ है, इसीलिए इसका कीमत है। जैसे परमवेद केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बिहारी, एक दफे प्रभुपाद से उसका जो ग्राम है, गांव है बांग्लादेश में, आजकल बांग्लादेश, उस टाइम तो भारत था, प्रभुपाद जी पहुंचे वो हरिकथा के लिए, हरिकथा सुनने आए, और एक बात ऐसा धक्का लग गया कि वो तो घबरा गया। अरे क्या बात है, इतना बड़ा महात्मा है ऐसा बातें कर रहा है, कौन सी बात है? भले प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर अप्राकृत जगत का, भगवान का जरा सा भी स्वार्थ को रक्षा करने के लिए, भगवान का सेवा के लिए अगर तमाम जीवों को सेक्रीफाइस होना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, तो भी अच्छा है। भगवान का एक बूंद, एक सामान्य सात्व को रक्षा करने के लिए अगर करोड़ों करोड़ों जीवात्मा का बलिदान, अनंत ये जो ब्रह्मांड है इसका जीवात्मा का सारे बलिदान चढ़ना पड़े, फिर भी अच्छा है। वह बात को समझ में नहीं आया ये विनोदा, विनोद जी क्या बात है, ये तो पहला बात सुन रहा हूँ, ये तो इवोल्यूशन है। अरे ये साधु महात्मा है ऐसा क्या बोल रहे हैं? बोले ये सारे जीवात्मा जो है अगर बलिदान चढ़ा दे, क्या बात है, ये तो ठीक नहीं है। तुरंत एकदम सोचने लग गए, क्या बात है, इतना बड़ा साधु है, प्रभुपाद का कृपा से नित्य पार्षद है, तुरंत समझ में आ गया। प्रभुपाद का कृपा से तुरंत समझ, क्योंकि नित्य पार्षद है। अरे ये तो बात ठीक ही है, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड जो है तो नेगेटिव वर्ल्ड है, इसका क्या कीमत है? वैकुंठ जगत का एक जो धूला है, एक पार्टिकल है, ये तो चिन्मय है, और ये नेगेटिव जगत है, इसमें वैल्यूएशन जितना भी दिखाई पड़े बाहरी दृष्टि में, आना महाराज अनंत ब्रह्मांड है, फिर भी नेगेटिव है, ये चीज जगत नहीं है, माया का प्रभाव है ये, और चीज जगत का जो विषय है इसमें एक धूलिकण भी हो, हो सके एक धूलिकण, फिर भी इसका कीमत ज्यादा है अनंत ब्रह्मांड का समेशन जो कर दो, इसका वैल्यूएशन से एक धूलिकण वैकुंठ का कीमत बार है, बहुत कीमती है। ये समझ में आ गया, तो पहले गुरु दर्शन हो, उसका बाद धीरे धीरे समझ में आए जे वैष्णव क्या है, भगवान क्या है, धाम क्या है, नाम क्या है। भक्तिमन ठाकुर का ये
टिप्पणी है भक्तिवेदांत ठाकुर लिखे हैं, मानो कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को तुम हमारा भक्त हो, भक्तों का प्राकृत दर्शन है ये हो ही नहीं सकता, तुम मेरा भक्त हो इसीलिए तुम्हारा निरुपाधिक चक्षु है, तुम ये निरुपाधिक चक्षु के द्वारा मेरा जो कृष्ण स्वरूप का दर्शन करते रहते हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो जोगेश्वर जो मैं मेरा योग के द्वारा जोगेश्वर जो मैं ये इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड जो है ये महामाया का द्वारा प्रकाशित है, ये जोगेश्वर जो मैं सामंदिक भाव रिलेटिव भाव है, क्योंकि ये जो जड़ जगत है ये झूठा नहीं है, जड़ जगत झूठा मायावादी को दे कुछ नहीं है, जो सपने का मापी की जो देख रहे हैं कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं मतलब महाप्रभु ने विचार बता नहीं, ये जड़ जगत है सही है लेकिन अनित्य है, जड़ जगत झूठा नहीं है, जड़ जगत है लेकिन इसका अनित्य भाव है, अनित्य टिकेगा नहीं, अनित्य भाव। तो भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन को हमारा जोगेश्वर्यमय स्वरूपटी संबंधिक भाव रिलेटिव भाव है, निरुपाधिक चक्षु के द्वारा ये लक्ष्य करने का विषय नहीं है, समझा। अनंत जड़ जगत जो है उसका जो उसमें कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है सब कुछ ही है, ये क्या अप्राकृत दर्शन है क्या, ये तो ये जगत का ये जो इन्फिनिट ब्रह्मांड ग्रह तारे चांद सितारे सब दिखाई पड़ता है, ये क्या चिन्मय है, ये तो जड़ है संबंधिक, हमारा जो विराट स्वरूप जोगेश्वर्यमय विराट स्वरूपटी ये संबंधिक रहा हा? और ब्रह्म संगीता का ये जो प्रमाण है ये भी साबुत है, जैसे निशेषितो काल मथावलंबो जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महानस इहो यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामि। जब कुछ नहीं रहे तब सृष्टि भी नहीं रहे, महाविष्णु अकेला तो कहाँ गायब हो गया, और गायब हो गया, इसीलिए भगवान भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं जे कृष्णो का ये कहना है मेरा जो जोगेश्वर्यमय विराट स्वरूप जो हमारा विश्वरूप देख लिया, विश्व मतलब मेटेरियल जगत, विश्व का रूप विश्वरूप आई बात समझ में, ये तो विश्वरूप है ना, ये सामान्य भाव है रिलेटिव, और निरुपाधिक चौकी के द्वारा ये दर्शन होना संभव नहीं, क्योंकि जिसका निरुपाधिक आँखें हैं वो जड़ जगत का टट्टी पेशाब कुछ नहीं देखता, अर्जुन भी आगे चल के बोल नहीं बस करो दरकार नहीं है हमारा, और जड़दर्शी स्थूल चक्षु हमारा ऐश्वर्य स्वरूप लक्ष्य करते पारे ना, जड़ जगत का जो मेटेरियल आँखें हैं ये मेटेरियल आँखों के द्वारा टट्टी पेशाब लड़का लड़की ये सब दिख रहा है, बिल्डिंग बाड़ी सब दिख रहा है, लेकिन गुरु वैष्णव जो मेटेरियल जगत में आंखें मिलते हैं उसका सामने तो ऐसा नहीं, उसका दर्शन पूरा अलग है, भगवान का सेवा का उपकरण चिन्मय दर्शन है, जड़दर्शी व्यक्ति जो है यो मेटेरियल दर्शन करें और जड़दर्शी व्यक्ति जो है वो विश्वरूप दर्शन कैसे करे, है तो विश्वरूप ही दर्शन कर रहा है, जगत का दर्शन करे तो विश्वरूप ही है, लेकिन ऐसा व्यापक विश्वरूप दर्शन अर्जुन का ही हुआ था, जरदर्शी स्थूल चक्षु ये चक्षु जरदर्शी ये स्थूल चक्षु मोटा आंखें जो है इसके द्वारा ऐश्वर्य स्वरूप मेरा जो विभूति ये सब अप्राकृत देखना संभव नहीं है। भक्तिवेदांत ठाकुर ने सिद्धांत किया जो आंखें सोपाधिक है, जो आंखें सोपाधिक सोपाधिक माने मैं दृष्टा हूँ ठीक रहे, जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन कह रहे हैं ना, जब भी अर्जुन भक्त है बार बार ये कह रहा है, इसमें गलत फहमी हो जाए तो मुश्किल है, अर्जुन भक्त है
भक्तिमत कह रहे हैं इसका निरुपाधिक दर्शन है। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब खड़ा कर दिया, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर अर्जुन का ऐसा घबराहट, ऐसा अगर पूछताछ नहीं होता तो गीता नहीं प्रवचन होता। कहने का मतलब है भक्तिमत कह रहे हैं कि जो चक्षु सोपाधिक मैं दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा विचार लेके अर्जुन जब कहा आप दिखना चाहता हूँ आपका, अब दिखा दो थोड़ा, तो ये जो है ये जो बात दे मैं देख लेंगे ये जो सोपाधिक, लेकिन फिर भी स्थूलो दर्शन नहीं है। भगवान का कृपा से ये सोपाधिक बन गया, सोपाधिक दर्शन, लेकिन फिर भी बिल्कुल एकदम मोटा दर्शन नहीं है, टट्टी पे सब दर्शन नहीं है अर्जुन का, ये बोलना ठीक नहीं है। भक्तिमंड कह रहे कि सोपाधिक है, मैं दृष्टा हूँ सोपाधिक, किंतु स्थूल दर्शन नहीं है, बिल्कुल एकदम बाजार का मापिक स्थूल दर्शन नहीं है। ये दोनों का बैलेंस करके भगवान उसको देखने का अवसर दिया, जो देख मेरा ये विभूति है अनंत ब्रह्मांड, अंध धृतराष्ट्रों का तो विभूति दर्शन करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये अन्याय को बढ़ावा दिया, अन्याय का विरुद्ध में कुछ बोला ही नहीं। शास्त्रों का विचार है जो अन्याय करता है और जो उसको बढ़ावा देता है, हाँ करो करो, और कुछ प्रतिवाद नहीं करता, जो प्रतिवाद नहीं करते हैं है, तो उसका भी दोष लग जाता है। अन्याय जो कर रहा है और जो अन्याय देख रहा है बिना प्रतिवाद, वो दोनों का ही मुश्किल है। तो भगवान ऐसा बैलेंस कर, देखो ये जो अंध धृतराष्ट्र इसका तो देखने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके इच्छा करके उसको पल भर के लिए थोड़ा समय दे दिया, ठीक इस समय के लिए आपका आंखें दे दिया उसको, और वो भी विश्वरूप देखा। लेकिन आगे चल के हम चर्चा कर रहा था काल, ऐसा तुम जो देखा अर्जुन, तुम्हारा जो विश्वरूप दर्शन, ये लोगों का जो दर्शन एक नहीं है, तुम्हारा मापी कोई नहीं देखा, भूत भविष्यत वर्तमान सारे जो टाइम फैक्टर है सारे मुझ में है, अखंड काल अनंत ब्रह्मांड का जो सब सारे ये सब वैभव देख लिया, बाकी जो विश्वरूप दिखाया हमने ऐसा इतना व्यापक विश्वरूप नहीं दिखाया, विश्वरूप देखा है ठीक है, विश्वरूप दिखाया। तो ये दिव्य चक्षु जो है भक्तिमत ठाकुर जी ने बताया, ये दिव्य चक्षु का मतलब ये है कि सोपाधिक स्थूल दर्शन नहीं है, ये चक्षु सोपाधिक पूरा पूरी एकदम मैं सोपाधिक है थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल मोटा दर्शन नहीं है, इसको ही दिव्य चक्षु बोला है, जिसके द्वारा एडाप्टेशन हो जाए भगवान का, ये वैभव का भगवान दर्शन करा दे, दिव्य चक्षु तुम्हारे वो दिया, ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन करो, मेरा जो ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन करो। और युक्तिवादी लब्ध दिव्य चक्षु व्यक्तिगण अमार निरुपाधिक कृष्ण स्वरूप अपेक्षा सोपाधिक ऐश्वर्य रूप सहजी प्रतिलाभ करें। युक्तिवादी जो है ये लोग का बात अलग है, ये लोग भगवान का चरण में उसका उतना प्रीति लाभ कुछ नहीं है, वो खाली युक्ति लॉजिक जिसका है प्राण। युक्तिवादी लब्ध दिव्य चक्षु ये युक्तिवादी है, जैसे धृतराष्ट्र युक्तिवादी है, और फिर भी उसको दिव्य चक्षु दिया कृष्ण, और ये देखने का पितामह भीष्म भी देखा, वो तो भक्त है चलो। निरुपाधिक कृष्ण स्वरूप अपेक्षा सोपाधिक, निरुपाधिक कृष्ण स्वरूप से ये सोपाधिक मेरा ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं, हाँ हाँ देख लेंगे कैसा कैसा है क्या है नहीं है, इसका बड़ा उसका पीछे उसका बड़ा जो भी है चलो। ये भी इधर जो है चर्चा करते करते यहां तक आया था काल,
अर्जुन काल तमादि देवः पुरुषः पुराणस् तमस्य विश्वस्य परमं निदानं वित्त्वासि विद्वं च परं च धाम तया ततम विश्वम अहंत रूपम। ये व्याख्या हो गया। उसके बाद अभी प्रैक्टिकली अर्जुन कह रहे हैं कि वायुर यमो रग्नि वरुण शशांक्यो प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो योऽपि नमो नमस्ते। वायु यम अग्नि वरुण शशांको प्रजापति जो कुछ भी है ब्रह्मा प्रपिताम आप सबका गुरु है और आपको नमो नमस्ते बार बार हजारों हजारों बार मतलब अनगिनत ये अनंत प्रणाम पुनश्च भूयोपि। उसका कहने का बावजूद भी तृष्णा नहीं मिट रहा है। उसका बाद पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते आ नमो पुरस्ताद अथो पृष्ठतहस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्वो अनंत विरजामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वम्। अभी कह रहे हैं कि देखो हे विश्वरूप हे सर्वस्वरूप तुम्हारा सन्मुख में अनंत पश्चात में सर्वदिक जहां जहां दृष्टि लगे हर ओर आपका दंडवत करे अनंत वीर्यशाली पराक्रमशाली तुम हो। समग्र विश्व को व्याप्त होके आपका अस्तित्व है आपका एग्जिस्टेंस है। तमाम जगत व्याप्त होके आप रहते हो ये असंभव है। ये भी जोगो माया का प्रभाव के द्वारा ही भगवान का संभव है। अनंत विरजामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्व सारे जगत व्याप्त होके आप रहते हो इसमें कोई शक नहीं है। और आगे चलकर 41 नंबर श्लोक में सखेति मत्या प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे जादवे सखेति अजानता महिमानं तबेदम मया प्रमादाद प्रणयेन वापि सखेति मत्या प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानतम महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयेन वापी बड़ा गलती कर दी। सखीति मत्या दोष दोष समझ के मतलब भगवान है ही है फिर भी भगवत बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं था। अभी तो भगवत बुद्धि आ गया अर्जुन के अंदर में भगवत बुद्धि आ गया जब मथुरा में कारागार में कंसो कारागार में कृष्ण प्रकट भये चतुर्भुज होकर लिखा हुआ है। वसुदेव देवकी तो हैरान हो गए दर्शन करते रहे स्तप करते रहे और क्यों ऐसा चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए इसका भी खुलासा किया। बोलो देखो आपने कृष्णी गर्व पहले बहुत भजन किए आपको याद दिलाने के लिए मैंने उसे दर्शन दिया अब मेरे कोई पुत्र रूप में प्राप्ति करना करने का इच्छा प्रकट की थी इसीलिए मैंने दर्शन दिया आपको। इसके बाद क्या हुआ लिखा हुआ है चतुर्भुज रूप जब गायब कर दिया भगवान और बच्चा बन के सामने सो गया उस समय में लिखा हुआ है जो ये जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो ये जो दिख रहा था चतुर्भुज रूप इसका कोई फीलिंग नहीं बचा। हम जो अभी चतुर्भुज रूप दिया भगवान का ये बच्चा बन के बैठ गया इधर सो गया ये समझ में नहीं आया। ये अगर होता तो इसमें जो बच्चा बोल के जो स्नेह है नहीं आएगा
स्नेह आएगा नहीं ना, इसीलिए भगवान गायब कर दिया। इसका जो श्रुति है, भगवान चतुर्भुज रूप बनकर जो दर्शन दिए, इसका श्रुति गायब कर दिया, तभी वात्सल्य भाव का प्रकट हुआ, हो पाया। और गोदी में लेके तो लार पार किया, गोदी में लेके लार पार किया, नहीं तो नहीं होता। तो यह जो सखीति मत्या प्रसभम जदुक्तम, यहाँ जो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन अभी भगवान का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये देखने बाद घबरा गया। उसका बाल बोले, अरे इतना दिन तो मजाक उड़ाया, कुछ भी किया दोस्त समझ के, ये तो गलती कर, बड़ा भारी गलती कर दिया, इसका अफसोस कर रहे हैं अर्जुन। सखेति मत्या प्रसवम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे साकेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादाद प्रणयेन वापि। जच्चावहासार्थम असत्कृतयोसि विहार सज्जासन भजनेषु, एको अथवाऽपि अच्युतो तत्समक्षम तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। क्या बताया? जच्चा अवहासार्थम असत्कृतो यसि विहाज विहार सज्जा सनभोजनेषु, एको अथवा ओपि अच्युतो तत्समक्षम तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। अर्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारा ये विश्वरूप संबंधी महिमा पहले कभी नहीं देखा, और ये महिमा हमको पता नहीं था। तुम्हारा ये विश्वरूप संबंधी महिमा पहले हमको जानकारी नहीं था, इसलिए समझा नहीं कि किसका साथ बात कर रहे हैं। दोस्त समझ के प्रमाद मजाक में हंसी में कुछ भी कर दिया, प्रमाद वसतो अथवा प्रणय वसतो, ज़्यादातर दोस्ती के खातिर, तुम्हारा साथ दोस्ती के खातिर ही कभी कभी हे कृष्ण हे यादव ऐसा बता दिया। पहला बात तो ये ही, तो कृष्ण ऐसा बोल के बोलना ठीक नहीं है। जैसे गुरुवर्ग को माधव महाराज ऐसा बोलना ठीक नहीं है, अष्टोत्तर सतोत्तर शिला भक्ति दो तो माधव को श्री महाराज ऐसा सम्मान देकर बोलना है गुरु वैष्णव को, हाँ माधव महाराज ये क्या बात है, ये ठीक नहीं। लेकिन इधर अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो हे कृष्ण ये जो बताया था ये भी मेरा उचित नहीं हो, मेरे को बताना था हे श्री कृष्ण, और ये हे कृष्ण हे यादव दोनों ही गलती है। क्योंकि पहला बात तो ये है हे कृष्ण ये इसमें श्री युक्त तो नहीं की, भगवान के साथ जाए तो अनंत श्री विभूषित प्रभुपाद भी लिखते, मैंने बहुत सारे ऐसा प्रमाण है, श्री 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 बहुत श्री जोक करते हैं, विशेष करके बहरमपुर एडिशन में देखने को मिलेगा वह किताब में। और प्रभुपाद का किताब भी दो चार देखा है, राजा माणिक्य बहादुर त्रिपुरा का राजा, उसको भी सम्मान दिया, चलो कोई बात नहीं। और राजा मनिन्द्र चंदो का सम्मान बहरमपुर एडिशन में किताब में देखने को मिलता है, अनंत श्री विभूषित ऐसा उतना सस्ता नहीं है। सो यहाँ जो है हे कृष्ण ये बोलना ठीक नहीं था, हे श्री कृष्ण ऐसा बोलना उचित था, और हे यादव ये भी उचित नहीं कि यादव ये बात जो है जदुवंशी जदुवंशों में जन्म लिया है सब यादव, इस यादव शब्दों के द्वारा इसमें मेरा अपराध हो गया। कि पहला बात कृष्ण को श्री नहीं बैठाया, कृष्ण बोलने का पहले श्री नहीं बैठाया, एक पहला दोष है। दूसरा दोष ये है कि यादव बोल के अपराध किया है, क्योंकि इसके द्वारा एक मजाक हो गया। क्योंकि जदुवंशी में किसी को राजा होने का हक नहीं है,
जदुवंशी में कोई राजा नहीं बने, समझा। एक सांप है, तो ये जो है इसमें जदुवंश में कोई कोई राजा नहीं, तो इसमें हे यादव बोल के जैसे ये जो पुकार है हे यादव, इसके द्वारा इसका ही ट्यूजिंग हो गया, ये उचित नहीं होता ऐसा बोलना। जदू जदूवर बोलने से ठीक है, चलो ये सम्मान हे यादव, इसके द्वारा ये आप जो इसका आज का राजपद, इसका जो राजपद, असली बात तो ये तो कृष्ण ही राजा दरिका है। कृष्ण तो इच्छा करके ये अभिशाप को सच्चा साबित करने के लिए इच्छा करके उग्रसेन को बैठाया। उग्रसेन तो अंधा ही है और क्या, उग्रसेन को क्या दिखाई पड़ता, किसका ताकत से उग्रसेन चलाया, आप ही कहो किसका ताकत से उग्रसेन ने चलाया, कृष्ण का ताकत से, कृष्ण मालूम। तो ये जदुवंशी है कृष्ण, इसलिए जो हे यादव ये शब्दों भी ठीक नहीं हुआ, हे यादव, हे सखे दोस्ती यारी हैं, ये जो इत्यादि संबोधन जो हमने किया था पुकारा, ये हमने सामाजिक अभी हम सामाजिक ये मेटेरियल जगत का, ये जो हमारा मेटेरियल जगत है, ये मेटेरियल जगत का खातिर हमने बुलाया, ये तो पक्का है, नहीं तो ऐसा बोलना ठीक नहीं था। जड़ जगत का जो अभिमान है, मैं उसका दोस्त हूँ, तुम तुम्हारा दोस्त हो, अर्जुन है मैं, तुम आप आपका मेरा दोस्त हो, कृष्ण, ऐसा सामाजिक अभिमान के सहयोग, सामाजिक अभिमान का सहयोग के द्वारा ये सब व्यवहार लोग व्यवहार किया है, जो कि ऐसा लोग व्यवहार उचित नहीं होते, नहीं। हे उच्चुतो, अभी उच्चुतो कह रहे हैं, हे उच्चुतो, बिहार शयन उपवेशन भोजन आदि समय, कभी बिहार का समय घूमने का टाइम में जाते जाते चलते चलते बिहार का समय में स्वयं सोते सोते उपवेशन बैठते बैठते या भोजन करने के समय में भी, भोजन आदि समय, अथवा कभी भी अकेला हो उसी समय में भी, अकेला स्थिति काले, अथवा दोस्तों का सम्मुख मैंने ऐसा लोग व्यवहार कर डाला, लोगों का सामने, मेरा दोस्तों का सामने भी आपको ऐसा बुलाया था, ये लोग व्यवहार हो गया सामाजिक व्यवहार, कभी परिहास करके पूर्वक असत्कार किया है आपका साथ, परिहास उचित नहीं है, परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान कृष्ण हैं, इसका साथ मजाक मजे का संबंध कैसे जोड़ दिया मैंने, परिहास पूर्वक जो असत्कार, सत्कार मतलब सम्मान देना, असत्कार मतलब असम्मान किया है, ये सब अपराध अनजाने में कर डाला, ये समस्त जो है अपराध जन्नो अप्रमेय विराट पुरुष, आपका प्रमेय मतलब अनंत ब्रह्मांडो व्यक्त होके जो विराट पुरुष हो आप, और आपको हमने सही ढंग से नहीं बुलाया, सम्मान नहीं दिया, ये जड़ जगत तो अनस्टेबल है, अस्थाई है। ब्रह्म संहिता का जो श्लोक कुछ ही देर पहले दोहराया, उसी में लिखा हुआ है, इन्फिनिटी ब्रह्मांड प्रकट हो जाता महाविष्णु का रोमकूश, निश जोशिक निश्चय कालम थावलम्ब, तो मेटेरियल जगत में प्रकट हुआ, विचार करके देखो, ये अनंत ब्रह्मांड का विचार करो, उसका बाद विचार करो, ये एक धरती है जिसका जो साइज है, इसका कितना साइज है, हम जैसा क्षुद्र जीव है पृथ्वी को, अरे बाप कितना बड़ा, ऐसा घबरा जाता, लेकिन इन्फिनिटी ब्रह्मांड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट करो तो ये धूलिकण का माफी है ना, अनंत ब्रह्मांड का रेस्पेक्ट में विचार करने जाओ, ये पृथ्वी धूलिकण का माफी, और सूर्य देव का
सूर्यदेव 14 लाख गुना बड़ा है। एस्ट्रोनॉट लोग जो ऊपर चले जाते हैं ना, कोई वेनस में, कोई इधर उधर, वहाँ से इतना क्षुद्र दिखाई पड़ता कि ये एक लाइट पर, जैसे कि लगता है एक लाइट पार्टिकल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है समझ में नहीं आता। बोले ये तो सुनते रहते हैं, समझ में नहीं आता। जैसे कि मिसाल दे दें, एक चींटी है, एक चींटी आपका पैर में चढ़ गया, चढ़ के ऊपर चढ़ रहा है। वो चींटी जो आपका अंदर चढ़ गया, चींटी देख रहा है कि आप नेकेड हो, चींटी देख रहा है कि नेकेड हो आप, क्योंकि आपका अंदर में घुस गया। और चींटी का नज़र में क्या है? कुछ नहीं है, इतना छोटा है। ये एक शुगर का एक जो दाना है उसके लिए तो भारी पड़ जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अपेक्षिक रूप में जो लोग मजाक उड़ाता है काली मैया नेकेट क्यों है, इसका जवाब दिया मैंने। अपेक्षिक रूप में जो जो उल्लू है, बुद्धू है, जानते नहीं कुछ, प्रकृति देवी, देवी मैया, काली देवी नेकेट है। किसी को अगर प्रश्न किया जाए वो नेकेट है, उसके लिए कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, जवाब नहीं है इस लोगों के पास, जवाब नहीं है। असली बात तो ये है काली देवी नेकेट नहीं है, प्रकृति चारों ओर दिग जिसका भूषण है, दिग्भूषण। आई बात समझ में? कभी सुना है ये बात? एंड 10 दिग जिसका भूषण है, 10 दिग जिसका भूषण है, क्योंकि जहां देखो तो देवी है, जहां देखो तो देवी है ना, प्रकृति में जहां भी देखो, कोई कपड़ा फपड़ा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रकृति रूपी जो देवी मैया, इसका कपड़ा है, कौन सी कपड़ा? ये जो चारों ओर दिख है ना, डिरेक्शन है, ये इसका कपड़ा है। और इसका अंदर में हम जैसा चेटी हैं, ये घुस गया तो मैं यहाँ को नेकेट देख रही। असली बात तो ये नहीं है, प्रकृति का अंदर में है ना हम लोग, प्रकृति का अंदर में है, इसलिए नेकेट देख रहे। एक चेंटी अगर घुस जाए कपड़ा का अंदर, नेकेट देखेगा, असली तो नेकेट नहीं है, बाहर में तो आपका कपड़ा है, सब है। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है, एक चेंटी का हिसाब से एक आदमी का जो आकृति है, चेंटी तो घबरा जाता है। ऐसा करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते करते चले जाओ, अब देखोगे हैरान हो जाओगे। इसका बोला रिलेटिव और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अनंत ब्रह्मांड का हिसाब से पृथ्वी का जो आकार आकृति है, ये धूलिकण का बराबर, ये नाई का बराबर, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारा सामने हरि बाप रे, पूरा पृथ्वी, हाँ बोले हाँ फला पूरा पृथ्वी, ऐसा घबरा जाता है सब। तो ये जो है समाज में लोग व्यवहार है, और लोग व्यवहार पारमार्थिक व्यवहार दोनों फर्क है, दोनों में फर्क है। अर्जुन कह रहे हैं वो चुतो बिहार का समय में शयन भोजन हर समय में एकाकी रहते हुए या तो दोस्तों का सामने आपको मजाक उड़ाया, जबकि ये उचित नहीं था कभी किसी भी हालत से। क्यों? आप भगवान हो, अनंत ब्रह्मांड का मालिक हो, विश्व रूप है आपका, आप विराट पुरुष हो, अप्रमेय हो, इसका लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं आपको, आपके पास क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा कर दो। मैं तो कहां करे, बहुत सारे इसका अंदर में विचार है। फलो विश्वनाथ चतुर्दिवाद भी बहुत सारे लंबा चौड़ा व्याख्या की। हे सखे, ये जो शब्द प्रयोग किया अर्जुन कृष्ण के संग, कौलिक व पैतृक कोनो संबंध प्रभाव, इसमें कोई संबंध नहीं है सखी, इसमें कोई
कोई टाइटल फाइटल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये जड़ संसार का एक उपाधि है। एक जड़ संसार लोक व्यवहार के द्वारा प्रेरित होके हमने ऐसा किया है, गलती किया है, अभी महसूस हो रहा है। इतना दिन तो समझ में नहीं आए, अभी महसूस हो रहा है कि गलती किया। सखेति मत्या प्रसभम यदोक्तम हे कृष्ण हे जादवे साखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादाद प्रणयेन वापि जच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथो वापि अच्युतो तत्समक्षम तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयम् तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। ऐसा करके विचार बनाए। आगे चल के कह रहे हैं कि आप तो क्षमा, आप क्षमा ही तो आपका, आप विभु वस्तु है, आप महत है, आप अनंत ब्रह्मांड। हम जैसा क्षुद्र जीव है, हमको क्षमा नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। महत व्यक्ति का क्षमा करना ही तो स्वभाव है ना। क्षमा गुणम है कोकिलानम स्मरो रूपम है स्त्रीनाम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपणम एर क्षमा रूपम तपस्वीनाम। यह है ना। ककिल का ककिल कैकुएल जो है दिखने में बहुत घटिया, बिल्कुल कौवा का मापी, लेकिन इसका कीमत क्यों है। इसका सौंदर्य है उसका कंठस्वर कू कू करते हैं। कौवा का घर में जाके अंडा छोड़ के आती है इतना चालू है। कुआ को कौवा को उल्लू बनाया हैं। कोकिलानम स्मरो रूपम, कोकिल इसका तो रूप है, इसका स्वर है कंठस्वर। इसको देखने जाओ तो ये उचित नहीं हो, देखने जाओ तो दोष निकालेगा, अरे कैसा देखना है। और नारी नाम पतिव्रता, नारी का भूषण है, गुण है सबसे बढ़िया। आजकल के जमाने का छोड़ दो, शास्त्रों का विचार है जो अच्छा स्वामी जो है, स्वामी का प्रतिविधान करना और प्रतिव्रता। नारी पति सबसे, पति को भगवान का विभूति समझकर सेवा करती है। अब विद्या जिसका रूप है, विद्या रूपम कुरूपणम, जैसे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस विद्वान है, देखने में एकदम घटिया है, अरे बाप रे बाप सोक्रेटिस। आर्किमिडीज भी देखने में बहुत घटिया है, देखने में बहुत खराब, लेकिन उसका जो आविष्कार किया जो कुछ यही इसका गुण है और क्या। विद्या रूपम कुरूपणम और क्षमा रूपम तपस्वीनम। अब भगवान तो तपस्वी है ही है, भगवान के अंदर में सौरैश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्य समग्र बीज जसो सब सब तो है, तो ये भी है। तो इसमें क्षमा तो भगवान का पास है ही है। जब भगवान से क्षमागुण भक्त लोगों को आया तो भगवान का पास क्षमागुण तो जरूर है। आकर क्षमागुण है, आकर रूप से ओरिजिनली। पितासि लोकस्यो चराचरस्यो तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्ति अभ्याधिकः कुतो अन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। पिताओशी, आप पिता जैसा है, पिता ही तो है, पिता जैसा ना पिता ही तो है, तमाम अनंत ब्रह्मांडों का पिता ही। फिर भी रागानु का भजन में, रूपानु का भजन में ये सोचने से मुश्किल है। ऐसे बिंदावन दास ठाकुर महाशय तो क्लियरली बता दिया, जगतेर पिता कृष्ण जई ना भजे बाप। जगत का पिता विष्णु कृष्ण है, जगतेर पिता कृष्ण जई ना भजे बाप पितृद्वही पातकेर जन्मे जन्मे था। बिंदावन दास ठाकुर लेगा बोलो क्या बोला,
जगतेर पिता कृष्ण, ये तो सच्चा बात पक्का बात है। जगतेर पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, जे भजन नहीं करते, पितृद्रोही पातकेर जन्मे जन्म दिए जन्म जन्म भुगते रहे, तो पिता तो है ही है, फिर भी रूपानु का भजन रागानु का भजन में ये आगा सोचने जाए हैं, ये बड़ा मुश्किल है। ये भजन शांतो दास्य सक्षो वात्सल्य मधुर रस, ये सब रस मिलेगा मुश्किल है। तो कृष्ण को कृष्ण अगर पिता समझे तो कृष्ण का साथ राधा रानी का कैसा लीला हम आस्वादन करें, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात तो पक्का है, क्योंकि ये जो गीता है, ये गीता जो है, ये जो है बेसिक चीज है, फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा गौड़ीय दर्शन का, गौड़ीय दर्शन में एंट्री लेना चाहे कोई, गौड़ीय दर्शन के दर्शन में कोई एंट्री लेना चाहे, ये इन्फेंट का स्टडी है, प्रभुपाद जी ने बताया। फिर भी ये अगर ऐसा समझो कि आपका अपराध हो जाएगा, प्रभुपाद जी ने बताया समझाने के लिए, ये प्रिलिमिनरी है। ये अगर समझ में नहीं आए तो कोई किसी दुनिया का कोई शास्त्रों समझ में आना संभव नहीं है। एंड गीता इज ओपन टू ऑल, तमाम संप्रदाय जितना है सारे सब इसको मानते हैं। और भागवत जो है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट का डॉक्टरेट की डिग्री है, फिर भी ये गीता का कृपा का बिना गौड़ीय दर्शन में प्रवेश होना संभव नहीं है। इसीलिए गौड़ीय व्याख्या चल रहा है। गीता का जो विचार है, ये अगर समझे बिना, बिना समझे कोई अगर गौड़ीय दर्शन में घुसना चाहिए, उसका पतन होगा ही होगा, कोई बाबा बचा नहीं सकता, किसी का हिम्मत नहीं। सो ऐसा विचार है, गौड़ीय दर्शन का एंट्रेंस है गीता, एंट्रेंस है गीता। ये गीता समझ के फिर यू कैन स्टेप इनटू गौड़ीय दर्शन में प्रवेश कर सकते हो। तो इधर जो है, ये सब विचार जो है चल रहा है। इधर अर्जुन कह रहे हैं कि पिताओं से लोग को सचराचर, अनंत ब्रह्मांड का जो चराचर ये है, लोगों से सब तो पिता आप ही है, पिता जन्म देने वाले हैं। अतम अश्व पूज्यस्व गुरुर्गरियान, पूज्य गुरु, क्योंकि आपसे ही तो सारे ज्ञान है। गरियान गुरु श्रेष्ठो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अगले बताया था ना आगे कि कृष्ण ज्ञाता, ज्ञान सब कुछ है, ज्ञो सब कुछ है, तमाम सोर्स है कृष्ण। तो कृष्ण को गुरु माने तो इसमें दोष क्या है? कृष्ण से तो आया है सारे ज्ञान, हाँ गुरु से आया है ठीक है, लेकिन कृष्ण से भी आया है, जैसे गीता, जैसे हम लोग विचार में गीता का महिमा में, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शस्त्र विस्तर वही या स्वयं पद्मनाभस्व मुखो पद्मा विनुश्रिता, लिखा है ना। गीता सुगीता कर्तव्या किम, अन्य दूसरा शास्त्र देखे क्या करोगे? ये दूसरा शास्त्र के जो बात बताया, ये ऐसा मत लेना कि दूसरा शास्त्र पढ़ने का दर, ये नहीं, ये बताया का ये संसार बंधन से मुक्ति के लिए, छुटकारा मिलने के लिए। दूसरा शास्त्र क्या है? जैसे बेसिकली बोला जाता है ना, हमारा शास्त्रकारों ने बताया ना हमारा, ये साधु संगे कृष्ण नाम, जगदानंद पंडित ने लिखा है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मैं तो चाहे संसार जीनी तैयार कोनो वस्तु, क्या संसार जय करने के लिए मैं भजन कर रहा हूं ही? क्या संसार को जय करने के लिए मेरा भजन है? अरे ये तो छोटी मोटी बात है, क्या है, क्या सोच में पड़ गए आप? क्या हम संसार जय करने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, है? अरे संसार जय तो स्वाभाविक है, ये छोटा मोटा है, कुछ नहीं है। आगे चल के भगवान का प्रेम प्राप्ति करना, भगवान को सेवा करना है, ये सब छूट गया। और इसीलिए बेसिकली ये बताया गया ना, कोई अगर इसको सीरियसली पकड़ ले, अरे संसार यही तो महाराज भजन ना, ये भजन नहीं है, भजन का मतलब सेवा, टू डू समथिंग फॉर सुप्रीम लॉर्ड फॉर हिज कंप्लीट सेटिस्फैक्शन,
ये बोका का मैं भी समय महाराज संसार बदने छूट गया और क्या चाहिए। अरे क्या चाहिए मन, क्या चाहिए मतलब संसार छूटने का बात तुम्हारा सोच में पड़ना चाहिए। अब तो संसार छूटा है ठाकुर जी, अब क्या करें, संसार तो छूट गया उसके बाद क्या करें, मायावादी बन जाए हैं, संसार छूटने को मायावादी बन जाओ। और संसार छूटने के बाद ये विचार बनाना है भगवान आपको सेवा कैसे करें, यही तो विचार है। सो गीता सुगीता कर्तव्य की मन नहीं शस्त्र विस्तर ये जो बताया ये सही बात है। जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा पद्मनाभो भगवान पद्मनाभो, ये शब्द बोल के ये इशारा कर दिया जे भगवान का नवल पोर्शन ये नाई है ना नाड़ी, इससे पूरे एक एक एक, एक स्टेम एक पद्म फूल का स्टेम निकाला और पद्म निकाल, ये पद्म में ब्रह्मा अपने को डिस्कवर किया, ब्रह्मा जी ने अपने को डिस्कवर किया एक पद्म फूल का पर। ये अनंत चराचर ये जो विश्व है हमारा अनंत गर्भोदगसाई विष्णु का जो ये जो है इससे इसका नेवल पोर्शन से निकाल, और महाविष्णु जो है उसका तो अनंत अनगिनत ब्रह्मांड है। चलो ठीक है इसका तो भगवान अगर खोद, कहने का मतलब है तमाम ज्ञान गुरुमुखी होनी चाहिए। क्यों गुरुमुखी होनी चाहिए, गुरुमुखी इसने होनी चाहिए गुरुदी गुरुजी अपना सेवा का डायरेक्ट अनुभव बता सकता है। ध्यान से सुनना इस बात को, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। हमारा सारे विद्वा जो है ज्ञान जो है जो भक्ति का ज्ञान सब कुछ है ये गुरुमुखी होनी चाहिए। गुरुमुखी क्यों, गुरुमुखी इसलिए होनी चाहिए गुरुजी साक्षात जो सेवा कर रहे हैं भगवान का, सेवा का द्वारा जो डायरेक्ट फीलिंग्स है यही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति अनमोल संपत्ति। और भगवान से अगर डायरेक्ट ज्ञान आए तो भगवान तो भगवान ही है, भगवान अगर किसी को ज्ञान दे ये कोई खोटा नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ठीक है चलो ये पिनी मिलनी सारे नॉलेज जो है भगवान, देखो जितना सारे शास्त्रों भगवान ने प्रणयन किया नॉट डायरेक्टली भगवान कभी डायरेक्ट, एक है गीता ही है अर्जुन को सामने खड़ा करके ये नाटक किया, अर्जुन को खड़ा कर दिया और प्रवचन किया, बाकी तमाम शास्त्रों जो है भगवान गुरु वैष्णव के माध्यम प्रकट किए। गुरुमुखी विद्या इसलिए गुरु का जो सेवा का जो डायरेक्ट फीलिंग है यही तो मेरा जरूरी है ना, और क्या जरूरी है मेरा। गुरुजी कैन इनकालकेट हिज डायरेक्ट फीलिंग ऑफ सेवा ऑल द 24 आवर्स, 24 घंटा में 24 घंटे गुरु जी सेवा कर रहे हैं, उसका जो इतना आकर्षण है सेवा में ये अनुभव को हमको चाहिए। ये करोड़ों 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 इन्फिनिटी करोड़ रुपया दे के भी मिलता नहीं है, मिलना संभव नहीं। और भगवान कभी कभी गुरु रूप बन के आता है जैसे चैतन्य महाप्रभु, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का लीला का एक विशेष है ये इच्छा करके, ये तो भगवान है ही है, इच्छा करके सेवा करने का व्यवस्था, सेवा करने का जो 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 व्यवस्था है ये दिखाया। खुद भगवान है इच्छा करके शिष्य बना ईश्वरपुरी का, खुद गुरु है भक्त लोग अद्वैत गोसाई का चरण में गिर गिराया, अरे कृपा करो हमको, हो सके कि साक्षात भगवान है फिर भी ऐसा है? भगवान श्री कृष्ण वो भी एनो किसी को गुरु माना, अष्टवक्र मुनि को माना, कौन ये हमारा ये राम जी माना, राम जी गुरु माना, राम जी गुरु माना, इसको भी माना, क्या नाम है विश्वामित्र मुनि को, और हमारा संदीपनी मुनि को गुरु माना, हमारा ये कृष्ण माना है, बहुत सारे मंत्र दिखा भी लिया। जो भी ये जो है व्यवस्था है ये गुरुमुखी, इसलिए भगवान साक्षात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं
लेकिन चैतन्य महाप्रभु का बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बताया, जगदानंद पंडित भी ऐसा बताया है, क्या बताया, कली काले साधु पावा कठिन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, बंगाली में है, कली काले साधु पावा कठिन जानिया, जगदानंद जी कलिकाल में पक्का साधु सच्चा ईमानदार साधु मिलना बहुत मुश्किल है, कली काले साधु पावा कठिन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, नदिया धाम में आया, ऐसा साधु बन के आया, गुरु साधु गुरु रूपे हैं हम लोगों को सिखा रहा है आचरण के द्वारा हैं, या सर्वमवट सर्वमवट जो एक ही बताए, वैराग्य विद्या निज भक्त यो शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण, या पुरुष पुराण, पुराण पुरुष है, आदि पुरुष है, फिर भी हमारा शिक्षा कर शिक्षा देने के लिए आए तो गुरु बन के आए हैं, साधु बन के आए हैं, इसीलिए संभव है। विचार करके देखो, कृष्णो बहुत सारे उपदेश दिया, बहुत सारे आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, जब ऐसा रासलीला का बहुत सारे ऐसा दिया, मत गीता में भी बोलता है मत जाति मांग नमस्कार बहुत ऐसा हर आदमी बोलता है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तब इसको कोई मजाक नहीं उड़ाया, कृष्ण का रासलीला का मजाक उड़ाए, कृष्ण का कोई नॉलेज नहीं है एक आदमी का, उल्टा सीधा बोलते रहे, कितना नोबेल लिखने वाले, कितना सारे नाटक लिखने वाले कवि है, कितना कवि सब एक कृष्ण को उल्टा पलटा करके हैं, मेघनाथ बाब का बोलेगा माइकल मधुसूदन कितना घटिया लिखा है, जगत का आदमी उसको हैं सलामत देता है, लक्ष्मण को लक्ष्मण जी को बद्धजीव खड़ा कर दिया, और मेघनाथ का इतना सारे गुणगान किया तो हमारा सामने होता तो गाली दे देते उसको, लेकिन उसको ही सम्मान करते हैं समाज का आदमी, क्या करे। भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा बताया, साधु पावा कष्ट बरो जीवेरे जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला न दिया, एक ही बात है, चैतन्य महाप्रभु गुरु रूप में आए, साधु रूप में आए सिखाने के लिए, ये सबसे अच्छा है। और अर्जुन का कहना है कि आप तो पिता से लोगों से चराचर हो, आप तो चराचर विश्व का पिता तो है, पिता तो हो आप, आपसे ही तो आया है तमाम जगत जो है, आपसे ही तो आया है, पिताओं से लोगों से चराचर हो, चराचर ब्रह्मांडों का तो आपसे ही आया है, अतम अश्व पूज्यस्व आप जो है तम चराचर विश्व का पिता है, पूज्य है, गुरु गुरु प्रेष्ठ भी है, है? तुम चराचर विश्व का पिता हो, पूज्य हो, गुरु हो और गुरु प्रेष्ठ भी हो, त्रिलोक में तुम्हारा बराबर कोई नहीं है, अधिक तुमसे बराबर और तुमसे अधिक ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कैलकुलस में ऐसा विचार है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका बराबरी कौन कर सकता है, कोई नहीं, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्ति अव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव, ऐसा बताया। ऐसा करके अर्जुन क्षमा मांगते मांगते एकदम गिर गिरा के परे चरण के सामने, तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वम अहम विश्व इड्डम पितेव पुत्रस्य सखेव सक्षु प्रियः प्रियाया अर्हसि देवो सोडुम, आप अगर क्षमा ना करे के कहाँ जाए हम, क्षमा करना आपका ही काम है, अर्हसी आप क्षमा करने का लायक हो, आप क्षमा कर सकते हो,
आप अगर क्षमा ना करें तो कहाँ जाए हम। तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वम अहम भीषमीडम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सरुम। कैसा उदाहरण दिया, तस्मात् आपको हम प्रणिधायो दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणम प्रणाम पूर्वक इड्याम स्तव योग्य हो, आप सबका लायक हो, ईश्वम त्वम आप तो ईश्वर हो, आपको ही तो स्तव करना चाहिए ना। आओ तो उत्तम श्लोको उत्तमई श्लोकते श्लोकते उत्तमई श्लोकते इति उत्तम श्लोको और हैं और उत्तम उत्तम श्लोके न उत्तम तो श्लोक के द्वारा जिसका जिसका गुणगान किया जाता है उत्तम श्लोक, अथवा और माने होता है उद्गतो तमो यस्मा तव उत्तम 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 उद्गतो तमो यस्मा स उत्तम। एक आप ही तो हो, सार वस्तु है। पिता जैसे पुत्र को क्षमा करता है, आपका प्रसन्नता का याचाई आपका प्रशांत आपका प्रसन्नता का जाचाई करने के लिए मांगने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ, और पिता जैसे पुत्र को क्षमा करता है, सखु सखा जैसे सखा जैसे एक एक दोस्त जैसे दोस्त को सखा जैसे सखा का दोस्त का क्षमा करता है, प्रिया का दोस्त जो प्रिय क्षमा करता है, दोस्त भी गलती कर दी इसका क्षमा करता है, सोड़ुम क्षमा करते अर्हसि आपको क्षमा कर। तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वम अहम ईशमीडम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोड़ुम। ऐसा करके अर्जुन सब कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आप क्षमा ना करो तो कहाँ जाए। अर्जुन और भी कह रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितम मनो मे तदेव मे दर्शयो देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्जुन सर्वदा भगवान का कृष्ण स्वरूप का ही दर्शन करने में अभ्यस्त है, कभी ऐसा विभत स्वरूप देखा नहीं और देखना चाहता भी नहीं। जो बोला था बोला, चलो बोलना बोला हमको थोड़ा दिखा दो हैं। आ भगवान जब भी बोला था क्या करोगे तुम हैं, क्या करोगे सब, अथवा बहु नहीं तेन किंग तेन अथवा अर्जुन विश्व बाहुमीदम सर्वम है कृष्णम एकांशेन स्थित जगत है, एक अंश में स्थित है सारे हमारा। अर्जुन कह रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा जो देखा ही नहीं कभी हम, भय न भय व्यपित हो गया, कंपमान हो गया डर के मारे, भय न प्रवथितम प्रकृष्ट रूप भयभीत हो गया हो गया तदेव में ओके हो गया हो गया हो गया हो गया खूब हो गया तदेव में दर्शयो देव रूपम हाँ हमको ये देव रूप दिखा दो। तदेव में दर्श देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास हो, मेरे को देव रूप दिखा दो जगन निवास, मेरे को आपका जो रूप है ये दिखा दो दर्शयो। हे देव तुम्हारा पूर्व में
तुम्हारा पहले तुम्हारा जो ये पूर्व में दिखाने गया ऐसा जो दृष्टि है दर्शन अपने दिखाया ये पूर्व पूर्व पहले जो रूप दिखाया तुम्हारा जो पूर्वे देखा ऐसे ऐसे जो रूप है भक्तिमठ ठाकुर कह रहे हैं जो तुम्हारा विश्वरूप पूर्वे हम देखा नहीं। भक्तिमठ ठाकुर कह रहे हैं तुम्हारा जो विश्वरूप पूर्वे मैं देखा नहीं। एखन अभी ये देखने के बाद हमारा जो कौतूहल हमारी जो क्यूरियोसिटी है ये कौतूहल का चरितार्थ किया निवारण किया। आई बात समझ में? तुम्हारा विश्वरूप पूर्वे हमने कभी देखा नहीं, अभी जो आपको कृपा करके दर्शन दिया दर्शन कराया ये करिया हम हमारा जो कौतूहल है हमारा जो क्यूरोसिटी है इसको निवारण किया, बस इतना ही है। किंतु इसमें भक्तोगणों का आनंद उत्पत्ति होता नहीं। ये चराचर ब्रह्मांड व्याप्तम ये सब देख के क्या करें? भक्तों का सामने तो श्याम सुंदर सरुम मध्यम आकार है जो सबसे अच्छा रूप है भगवान का। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है नरो बपू जो है भगवान का नवकिशन नटोबरो ये नरो बपू ये सबसे अच्छा है। ये इसका जो इतना मिठास है सबसे अच्छा है। और भक्तोगणों का मन में ये जो अनंत चराचर ब्रह्मांडों का ये सब विवत्स रूप देखने का नहीं 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 हाँ किंतु ताते भक्त दिगर मन मनोनयन आनंद उत्पत्ति है ना। ये सब देख के भक्तों लोगों का हृदय में आनंद नहीं होता। जसोदा मैया देखी ना ठुकड़ा दिया था अरे कुछ नहीं है अरे बाप रे भूत प्रेत है क्या है नहीं है भूत पकड़ा लड़का को। भक्तों लोगों का इसमें आनंद नहीं होता। तो अर्जुन इसीलिए इस दर्शन करके विवश स्वरूप मेरा भय से एकदम भयभीत हो गया। मैं देखिए हे जगन निवास हे देवेशो तुम्हारा सच्चिद आनंदमय तुम्हारा सच्चिद आनंदमय जो चतुर्भुज रूप है ये दिखाओ, ये देखना चाहता हूँ। हे जगन निवास तुम्हारा हे देवेश तुम्हारा जो सच्चिदानंदमय जो चतुर्भुज स्वरूप है ये दर्शन करा देना, ये ठीक है, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए हमको। ऐसा घोर दर्शन करके ये जो इतना दोस्ती था वो भी टूटने वो भी भूल गया। कृष्ण का साथ जो इतना दोस्ती है दोस्त का कृष्ण का अंदर में असाधारण ऐश्वर्य ऐसे घोर रूप दर्शन करके व्यथित हो गया। अभी कह रहे हैं कि हमको एक काम करो आप तुम्हारा जो सच्चिदानंदमय जो चतुर्भुज रूप यही दिखा दो। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हार ये जो अदृष्ट पूर्व विश्व रूप बपु देखिया ऋषितो व जातपुल भैयाची इसका जो घोर भयंकर रूप देख के बैकुल हो गया है। और इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा जो कोटि प्राण हुई तो अधिक प्रिय माधुर्य परावार जो वासुदेव है नंद वासुदेव नंदनाकार तुम्हारे से मनुष्य रूप दिखाओ कृपा करो। एतादृश दर्शन ही सफिशियंट है मेरे लिए, इसी में मैं संतुष्ट हूँ और कुछ नहीं चाहिए। हे देवेश तुम तो सर्वेश्वरेश्वर हो सर्व जगत का निवास हो तुम और नराकार जो कृष्ण बपू है वो भी आप ही हो मूल हो, लेकिन जोग माया के द्वारा आच्छादित करके जोग माया के द्वारा आच्छादित तो रहने के कारण अर्जुन था दिखिते पान्नाए यही जाना जाए। अर्जुन ही कुड नॉट सी इट प्रॉपरली उद्गम देख नहीं पाया। अगले श्लोक में कह रहे हैं किरीटीन गोदीनम चक्र हस्तम इच्छामी त्वम दृष्टुमहम
तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाह भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, विश्व रूप दर्शन काले करने वाले कराने वाले, हमको ये रूप दर्शन करा दो। किरीटी मुकुट, मुकुट लगा हुआ है सर में, मुख सर पे मुकुट, गदाधारी चक्र अस्तो पद्म, ये सब रूप दिखना चाहता हूँ। किरीटी नगदिनम चक्र हस्तम मिच्छामितम द्रष्टुमहम तथैवम तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। क्या बताया? किरीटीनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामितम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हमें तुम्हार ये जो किरीटीधारी मुकुट, सर पे मुकुट है, गदाधारी चक्रधारी, ये जो रूप है, ये दिखने के लिए बड़ा इच्छा प्रकट करता हूँ। हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ते, तुम्हें अदृष्ट पूर्व, तुमसे ही पूर्व दृष्ट हो, हमारा जो ये जो रूप दिखाया था पहले, इसमें मिठास है, ये दिखाओ, हम ये देखना चाहता हूँ, इसी में मेरा संतुष्टि है और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके हमको क्षमा कर दो, कृपा कर दो और कुछ नहीं चाहिए। किरीटीनाम गदिनाम चक्रहस्तम मिच्छामितम द्रष्टुमहम तथैव किरीटीनाम गदिनाम चक्रहस्तो मिच्छामितम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ऐसा करके अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात ये है, जे ये अनुभव में लाना, हर वक्त भूल जाने से होगा नहीं ना, सुनते सुनते अनुभव में लाना कि हम मैं कौन हूँ, मेरा जो रिलेटिव पोजीशन है, अनंत देव का प्रेक्षा बैकग्राउंड में मेरा जो रिलेटिव पोजीशन है, इसको आविष्कार करके धीरे धीरे आगे चल के मेरा जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें पहुंचना है। अर्जुन का इच्छा करके, अर्जुन तो भगवान का भक्त, इच्छा करके धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर से लेकर धीरे धीरे अर्जुन का जो दर्शन है पक्का हो रहा है, बाद में जाके एकदम पक्का भक्तों का दर्शन का प्रकट किए, ये तो चलेगा, दिखाया आगे चल के विचार बनेगा। बहुत सारे ऐसा प्रमाण है, जैसे शिशुपुत्रों का जो हत्या किया असत्थमा, उसको जो बंधन करके जो द्रौपदी के सामने लाया गया, द्रौपदी क्षमा करना चाह, अब भीमसेन तो बड़ा गुस्से में आके मारना चाहे, मार डालो इसको, कुचल डालो अभी, अब क्या करें, द्रौपदी कह रहे क्षमा करो, भीम कह रहे कूदो के मारो बेटा को, भीम मारने के लिए उछाल पड़ता है, द्रौपदी निवारण कर रही है, ना करना नहीं। अर्जुन का अभी जो स्थिति है, अर्जुन इज नाउ इन अ बिविल्डरिंग कंडीशन, बिविल्डरिंग, हतोबाक हो गया, अरे क्या करे, अभी ये चाहता है मारो, ये बोले नहीं क्षमा करो। अर्जुन भी, कृष्ण भी बहुत चालू है, कृष्ण बता देखो, ब्रह्म बंधु नहं तो पहले बोला मारो इसको मारना चाहिए, अतोताई बदा रहना, कितना चालू है भगवान देव, कितना चालाकी करता है हमको परीक्षा करने के लिए। अर्जुन कृष्ण का ओर देखा, हाँ अतोताई बदा रहना, अतोताई को मारना चाहिए, भीम बोलता है मारो इसको, द्रौपदी बोलता है इसको क्षमा कर दो, नहीं 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 क्षमा कर दो, मारो मत, ना ना ना। अब अर्जुन कृष्ण का ओर देखा, क्या करे, ये बोल रहा है मारो, ये बोला क्षमा करो, कृष्ण भी बोल रहा है अतोताई बदा रहना,
इसके बाद कृष्ण चालाकी करके बोला, ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतोतय वदारण, बहुत चालाकी कर दिया, ब्रह्म बंधु वदारण आतोतय वदारण, ब्रह्म बंधु नहंतव्य, सॉरी ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतोतय वदारण। कृष्ण ने एक तो एक तो एक तो लगा दिया छक्का, अब क्या करे अर्जुन, अर्जुन का ओर देखते रहे और ये प्रवचन कर दिया। अर्जुन ने सोचते रह गए, अरे क्या बात है, क्या करूं। इसके बाद समझ में आया भगवान का कृपा से, जे ब्रह्म बंधु नहंतव्य, ब्राह्मण अगर बहुत घटिया काम भी किया है उसको मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म बंधु का शारीरिक फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, पक्का है तो आतोतय को तो मारना चाहिए, एतोतय बदारण ब्रह्म बंधु नाम तो उसका बैलेंस करके अर्जुन समझ गया, उसका जो मुकुट में उसका जो सर पे जो मणि था, मणि को एकदम घिस खिसक के काट लिया। बहुत सारे प्रमाण हैं, रुक्मिणी का साथ द्वारिका में मजाक में मजा मजा में चतुर्भुज रूप दिखाया, यहां जो हमने बताया था ना जो अर्जुन कृष्ण का और देखते रह गए, वो समझ में नहीं आ रखा करे अर्जुन का बुद्धि कैसा फाइन है। इस परीक्षा के लिए उस समय में कृष्ण चतुर्भुज रूप का प्रकट किया था, चतुर्भुज रूप निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। इसका बाद अर्जुन देखते देखते समझ में आ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, और चतुर्भुज रूप एक बार नहीं बहुत बार रुक्मिणी का साथ परिहास करते करते, रुक्मिणी जब गिर गई पालंग से गिर गई, एकदा रुक्मिणी का साथ कृष्ण मजा कर रहे, हर वक्त मजा करती, और समझ में आया अरे राजकुमारी हम क्या राजा तो नहीं है, आप राजकुमारी हो, हमारा खानदान तो नीचा है, आपका साथ तो किसी राजा महाराज चक्रवर्ती महाराज का शादी होनी चाहिए, आप अभी भी आपको इजाजत है आप कर सकते हो। ऐसा सुनने के बाद बेहोश हो पड़ी रुक्मिणी, समझी कि और कृष्ण मेरे को छोड़ना चाहते हैं, बेहोश होकर गिर गया। उसी समय कृष्ण चार चतुर्भुज प्रकट करके दो भुजों से अपना प्रियतमा रुक्मिणी को उठाई, भूतल में पतन हो गई, गिर गई थी, उठाई और दो भुज के द्वारा दूसरा दो भुज के द्वारा अपना जो बाल का जो बंधन है वो बंधन करा दिया। इसका प्रमाण है भागवत में, और भी प्रमाण है। जब महाभारत में है ये सब, जब लक्षणा के साथ विवाह टाइम में स्वयंवर सभा में पहुंचे, कुंभ और जल कुंभ जल का कलश है उसमें नजर डाल के ऊपर से छाया एक शैडो है, एक मत्स्य का फिश, एक मत्स्य का छाया है, छाया को देखकर असली जो मछली कहाँ है उसको लक्षावित करना है। तो सारे प्रजा वर्गों के सामने कृष्ण ये सब करके दिखाया, इसका साथ युद्ध होने का चक्कर में गया। उस समय लक्ष्मणा को लेकर भगवान श्री कृष्ण रथ में सवार होकर युद्ध करना शुरू कर दिया, और लक्ष्मणा को दो हाथ देके अपने सर का अपना छाती पे लगा के रखा, और बाकी दो हाथ से दो भुजा से तीर धनु चलाए। ये भगवान है इसीलिए संभव है। लेकिन एक बात है, वृंदावन में गोपियों का सामने जो ये भगवान ने बहाना बनाया था ये टिक नहीं पाए, ये पूरा बेकार हो गया। क्यों? ये वृंदावन में ऐठा पेठा इसका या ये सब जगह एक है कृष्ण, यहाँ चलते हुए गोपीगण ने खुश ढूंढते ढूंढते
ढूंढते फिरे, एक दफे देखा नारायण बैठा हुआ है वृक्षों का डाल में, भगवान इच्छा करके चतुर्भुज। और गोपियों ने आई आके बोले नमो नारायण बोल के चले, ये हमारा कृष्ण नहीं है। चलो चतुर्भुज रूप दिखाने से भी कुछ नहीं होता, और राधा रानी आने का साथ साथ क्या हुआ, चतुर्भुज रख नहीं पाए, द्विभुज बन गया, पैठा पेठा ऐठा पेठा, पैठा माने दो हाथ अंदर में घुस गया। ऐश्वर्य राधा रानी का सामने ऐश्वर्य नहीं टिक पाई और गया। ऐसा करके बहुत प्रमाण है। आज समय का अभाव से आगे चर्चा हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट वीक। असार संसार खलु दुक्षरूपी बिमक श्रुत कस्य धनम कस्यो स्नेहवान जलते अनीशम न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। वांछा कल्पतरु के बासिंद पतितानं पावन वैष्णव्यो नमो नमः।